का जितने सत्कर्म है, जगत के जितने स्थान पुण्य है, सब तराजू का एक तरफ धर दिए, दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा को उन्होंने दूसरे तरफ धरे। जिधर भागवत कथा रखे ना, वो तो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और जिस तरफ में उन्होंने जगत का जितने सत्कर्म रखा था वो सब के सब हल्का होकर उठ गया, ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा को सामने जगत का कोई भी पुण्य कर्म को हम बराबर नहीं कर सकते। क्यों? ये भागवत कथा नहीं, ये स्वयं वाक्य है, ये स्वयं कृष्ण है। अब बताओ कृष्ण के साथ में अब दुनिया का किसी चीज को बराबर कौन कर सकता है? वो तो सारा विश्व ब्रह्मांड का मालिक तो वो है। जितने 33 प्रकार के देवता तज्जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत इत्यादि सुनाए वेद ईशान गायत्री उपनिषद इत्यादि से सामगा, इसलिए जिनकी चरण को सारे वेद पुराण देवा देवी जिनकी चरण की पूजा करते हैं, ये बांके बिहारी के साथ में थोड़ी किसको बराबर कर सकते हो। इसलिए उनको पता चला भैया ये भागवत कथा से बड़ा पुण्य जगत में कुछ नहीं। उन्होंने ब्रह्मा जी बोले भैया ये ब्रह्मा लोग में आज से नित्य निरंतर ये भागवत कथा यहाँ से हर समय कोई बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा स्वयं बार बार महाजन में एक महाजन है, नारद जी एक महाजन है, और चतुसंत बड़े भक्त है। नित्य निरंतर यहाँ पर भागवत कथा चलते रहे। तब यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, यद्यपि ये श्री नारद जी सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी से ही ये भागवत कथा सुने थे, लेकिन उन्होंने नियम क्रम से मैंने श्री चतुसन से कथा सुना। तो सौनकादि ऋषि लोगों को प्रश्न करते हैं भैया कि जो चतुसन वो नियम से क्यों नारद जी से कथा सुने, कारण क्या है? तो उनका रहस्य बताए, बल्कि एक समय श्री नारद जी उन्होंने सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन भ्रमण करते हुए उनको कहीं संतोष नहीं मिला। लेकिन उन्होंने सोचा चलो ये मर्त्य जगत में आए, यहाँ भी भ्रमण की, लेकिन उन्होंने जहां जहां गए देखा कि जो कली है ना किसी को नहीं छोड़ा, कली किसी व्यक्ति को ये कली नहीं छोड़ी, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ी। ये राधा रानी के हृदय श्री वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम कोई साधारण वस्तु नहीं। इसलिए पितामह ब्रह्मा क्या कहते हैं, बोले चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्या प्रीत सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत सम ब्रह्म सेपमानम गोविंद नमामि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो दिव्य वृंदावन धाम है, गति यहाँ का वृक्ष सब कल्प वृक्ष है, यहाँ का पानी नहीं अमृत है। कथा गाना अगर कोई बात करता है लगता है बड़े सुंदर भजन गा रहे हैं, अगर कोई चलता है ऐसे लगता है जैसे बड़े सुंदर कोई नृत्य कर रहा है। यहाँ गा भी नहीं सकते, सब काम देखो है अद्भुत से वृंदावन धाम। इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने, कोई डाल डाल और पात पात राधे राधे हुई। इसलिए वृंदावन धाम बोले भगवान हृदय श्री किशोर जी की चलो श्री वृंदावन धाम में, इसलिए भक्ति नृत्य जहाँ पर भक्ति देवी नृत्य करती है। लेकिन जब उन्होंने वृंदावन धाम में हम जहाँ पर बैठे हैं, जब उन्होंने ये जमुना किनारा में आए तो उन्होंने क्या एक आश्चर्य घटना देखा, एक सुंदर युवती बैठी हुई अगल बगल में, कुछ सखिया बड़ी सुंदर उनको सेवा कर रही थी, और बगल में दो वृद्ध लेट हुए थे। जब उन्होंने नारद जी सोचा कि वृंदावन धाम कहीं सत्संग होता होगा, लेकिन जब वहां पर आए देखा भैया वो सत्संग नहीं, वो तो रोना धोना है। बोले भैया संतों को रोना धोना से क्या मतलब है? नारद भगे इतने में भक्ति देवी कहती हैं, बोले भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मद चिंता अविनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम कर। बोले नारद बाबा थोड़ी रुक जाओ, बड़े भाग्य से था आपका कहीं दर्शन मिला, लेकिन आकर के आप विमुख होकर के जा रहे हो। नारद रुक गए, बोले भैया तुम कौन हो? बोले मेरे को नहीं जानते हो?
बोले लगता है कि नहीं देखा लेकिन याद नहीं आ रही। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता कहते मैं भक्ति हूँ। कहते जो दो बच्चे हैं ना ये मेरे दो बच्चे हैं एक ज्ञान वैराग्य। यहाँ पर जो कहते अहम भक्ति रीति ख्याता इसका मतलब है जो भक्ति है ना ये स्वतंत्र है ये सर्वतंत्र स्वतंत्र ये भक्ति दे इसलिए भक्ति रे वै नैती यही भक्ति ही भगवान तक जीव को ले जाती है। भक्ति रे वै दर्शयति भगवत दर्शन कौन कराते भक्ति भक्ति रे वी भक्ति की महिमा इसलिए अहम भक्ति रीति ख्याता। लेकिन जो दो बच्चे है ना ये ज्ञान और वैराग्य दो बच्चे देखो यहाँ पर हमारे संत लोग कहते हैं बोले भैया भक्ति के ये दो बच्चे बच्चे कैसे होंगे ज्ञान वैराग्य क्योंकि ज्ञान वैराग्य से भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति तो भक्ति से ही मिलती है भक्ति भक्ति से ही मिलती है भक्ति स्वतंत्रता है। ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं। बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा भगवान केवल प्रेमी की वसीभूत है पर इनकी ये ज्ञान वैराग्य तो बच्चे कैसे होंगे। कहते यहाँ पर जो ज्ञान है कहते ज्ञान तीन तरह का तत्पदार्थ तम पदार्थ और एक ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान की बात बता रहे हैं जो जीव ब्रह्म ही को जो ऐक जो ज्ञान है जो मायावादी लोग निराकार मानने वाले भगवान को जो अपना ज्योति को वो ब्रह्म ज्योति में जो लीन कर देना चाहते हैं भैया ये ज्ञान यहाँ पर नहीं। यहाँ पर जो ज्ञान है जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं भैया ये तो ज्ञान है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस जा हुए थे कृष्ण लागे सुदृढ़ विश्वास। ये जो तत्व ज्ञान जो कृष्ण भक्ति को जो मदद करने वाले ज्ञान भैया ये ज्ञान तो होनी चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं होगा ना वो कहते तीन तरह का संत है उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। बोले ये तीनों का क्या लक्षण है। बोले जो कनिष्ठ जो संत है भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति पूरा डामाडोल समझते वो भक्ति डामाडोल कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। लेकिन जो मध्यम भक्त होते हैं ना वो तो अपना भक्ति को तो कर लेते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाते। लेकिन जो उत्तम जो भक्त हैं अपना भक्ति तो पूर्ण रूप में कर ही लेते हैं दूसरों को भी सिद्धांत तत्व दर्शन से दूसरों को भी भक्ति में अनुप्राणित कर लेते उत्तम भक्त है। इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान है हमारे गुरु जी कहते थे जब तक तुमको भक्ति ज्ञान नहीं हो रस ज्ञान जीव ज्ञान गुरु ज्ञान वैष्णव तत्व ज्ञान नहीं हो ना भैया तुम्हारी भक्ति परिपूर्ण नहीं पर डामाडोल भक्ति है। थोड़ी मोड़ी कोई बात बोल दिया ना विश्वास बात सही कह रहे हो क्यों उसको तत्व ज्ञान पता नहीं शास्त्र ज्ञान पता नहीं वो झट उसका भक्ति ठल जाती है। इसलिए हमें ऐसे भक्ति समग्र ज्ञान होनी चाहिए। अगर कोई तर्क वितर्क करे अगर हम उसको खंडन कर सके नहीं तो भक्ति ढीली है। इसलिए कहती है भक्ति के दो बेटे हैं कौन है एक ज्ञान है और एक वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं होगा तो फिर क्या होगा भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर खूब भोग करो इसलिए कहते हैं विषय दूरे कृष्ण ज्ञानी निश्चय भैया तुम्हारी संसार प्रति वैराग्य होनी चाहिए। वैराग्य नहीं होगा तो फिर तुम भगवान की भक्ति कैसे करोगे। जैसे हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कहां राजा के घर थे लेकिन वृंदावन में सब छोड़ छाड़ करके पेड़ को नीचे बैठे बैठे भजन करते थे। नहीं तो अगर वैराग्य नहीं होगा ज्यादा विषय भोग करोगे भक्ति नहीं कर सकते। ये वैराग्य मतलब होता है विशेष पूर्वक अनुराग। इसलिए ये भागवत अभी ये दो चीज है जब ये भागवत कथा सुनेंगे यदि ये भक्ति जैसे भागवत कथा जब सुनाए तो क्या हुआ भक्ति ज्ञान पुष्ट हो एकदम पुष्ट हो गई भक्ति ज्ञान और नाचने लग गए भक्ति को साथ में। मतलब क्या ये भागवत में ये दो चीज परिपूर्ण रूप में अगर भक्ति में ये तुम्हारे दो बच्चे अगर कमजोर है भक्ति क्या ज्ञान कमजोर और तुम्हारे अंदर में ज्ञान का वैराग्य अगर कमजोर है ना भक्ति क्या करेगी रोती रहेगी रोती रहेगी। भक्ति रो रहे थे क्यों किंतु दोनों बच्चे उसकी पुष्ट नहीं। उसी तरह जब तक हमें सिद्धांत ज्ञान और वैराग्य में निपुण नहीं होंगे तुम्हारी भक्ति भी डामाडोल भक्ति कभी इधर घुस जाओ कभी इधर घुस जाओ कभी उधर घुस जाओ भक्ति तुम्हारी पक्की भक्ति नहीं। लेकिन वो सारे भागवत में सारे विद्यमान है इसलिए भागवत सुन करके इनकी परिपूर्ण ज्ञान हो गए नाच उठे हैं
इसलिए कभी ये मेरे दो बच्चे ज्ञान और बया भी मेरे दो बच्चे हैं, लेकिन काल और जोगे में जब दे भले कैसे हुआ भले कुछ पर नहीं इंद्र बिड़े साहब वृद्धि करना टके गता कोचीत कोचीत महाराष्ट्र गुर्जरे चिंद्रता गता भले कुछ पर ना द्रविड़े साहब द्रविड़ देश में तो मेरी जन्म हुई लेकिन कर्नाटक में बड़ी हुई महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति का आदर मिला लेकिन जब मैं गुजरात में आई ना यहाँ एकदम बुरी हो गई बोले क्यों कारण है कि पहले की जो गुजरात था ना बड़ा नास्तिक देश था कहीं साधु संत का आदर नहीं कहीं भी तुलसी वृक्षा नहीं कहीं घर में ठाकुर जी की कहीं सेवा पूजा नहीं अगर कोई छोटी धारी कंठी धारी कोई पहुंच गए ना अगर तिलक धारी पहुंच गए बोले क्या बगुला ने काटी कर दिया सर ये छोटी क्या तुम्हारी एरिया में है अगर गले में अगर कंठी पहने भैया तुमने ऐसे कौन सा पाप कर दिया तुम गले में ये लकड़ी पहनी हो लोग ऐसे ऐसे बोलने वाला अगर कोई संत पहुंच गया ना जब तक वो संत को वहां से खदड़ नहीं दे तब तक उनको चैन नहीं मिलती ऐसे नास्तिक देश था गुजरात लेकिन अभी देखो सबसे ज्यादा समृद्धशाली सबसे ज्यादा अगर भक्त अगर नहीं मिलेंगे ना आप गुजरात में मिलेगा गुजरात में बोले क्यों मिलेगा कारण है वहां पर बड़े बड़े संत को जन्म हुए तुकाराम जी नरसिंह भगत श्री हमारे वल्लभाचार्य विठल नाथ ये सब बड़े बड़े संत लोग वहां पर जन्म लिए इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं तहार प्रभाव कोटि जो जन निस्तारे जब एक शुद्ध संत कहीं जन्म एक शुद्ध संत शास्त्र कहता है जब इसे हाथ उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग लोक में देवता का कल्याण होता है जब इनके दृष्टि जितने दूर तो उनका दृष्टि जाए सारे अमंगल को दूर कर देते हैं जहाँ वो चरण से नृत्य करे ये पृथ्वी अपने आप धन्य मानती है ऐसे एक संत जन्म लेने पर शुद्ध रूप में अगर भगवान की भक्ति करे तो इतने महिमा संतों की कह रहे थे किसी जंगल में कुछ भूत लोग रहते थे एक भूत कहीं बाहर गया हुआ था एक संत ने जब शरीर छोड़ा उसी जंगल में उनकी दाह संस्कार की गई देखो संतों की दाह संस्कार में कितनी शक्ति है जब संतों की दाह संस्कार की गई ना पूरा जंगल में इसको आग का धुआं सारे जंगल में गया लेकिन वो शुद्ध संत थे जितने भूत थे संतों की जलने पर जो धुआं लगा तो संत को सब संत उधार सारे घर भूत सब उधार हो गए लेकिन ये भूत किसी कारण से बाहर गया था वो आया तो देखा उसका परिवार में कोई है नहीं उसका परिवार में कोई नहीं सबके सब मुक्ति बोले भैया हमारे परिवार कहाँ गए हमारे परिवार की कोई है नहीं पता चला कोई संतों की दाह संस्कार करवाए तो उसकी धुआं से ही सब कैसे उधार हो गए बोले भैया मेरी क्या होगी इतने में उसने यहाँ पर जलाया था ना तो रात में उसने लौट फोड़ खा गई और रात में लौट फोड़ खा के उससे उसकी उधार हो गई बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोले श्री संत भगवान की इसलिए संतों का जन्म लेने का इतने पुण्य संत जन्म लेने का पूरा कल्याण हो जाता है इसलिए गुजरात बोले मैं तो वहां आकर मैं बूढ़ी हो गई हूँ बोले कहाँ बूढ़ी हो गई बोले मैंने गुजरात में आकर मैंने बूढ़ी बन गई आप कृपा करके हमारे ऊपर ने कृपा कर बोले कोई चिंता मत करो भगवान बड़े दयालु कृपालु द्रौपदी को ऊपर जो विपत्ति आई ठाकुर ने ही रक्षा किया उनका नाम ही हरि है समस्त दुख कष्ट को जो ये हर लेते हैं वो हरि है इसलिए कोई चिंता मत करो बोले कोई चिंता नहीं मैं कोशिश करूंगा तुमको बच्चों को जवानी बनाने के लिए बोले अगर मेरे बच्चों को जवानी बना दिया मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तुम्हारे हृदय छोटे में कहीं नहीं जाऊंगी इतने में नारद जी उनको कानों में वेद पुराण उपनिषद एक एक आकर उन्होंने जोर जोर से बोले लेकिन उनकी किसी तरह से चेतना नहीं हुई लेकिन जब उनको कानों में उन्होंने भगवत गीता सुनाई ना उसने कोशिश की थोड़ी सी आग खोलने के लिए लेकिन जब गीता खत्म धड़ाम करके गिरी नारद बोले हाय रे चा स्वयं पद्म नाथ सबो का पद्म विनिषित ये गीता क्या है ये गीता स्वयं भगवान की मुखारविंद की वाणी है अरे गीता सुन करके भी चेतना नहीं हुई बोले क्या कारण है
कारण है, यद्यपि गीता में भक्ति की बात है, उसमें छह अध्याय कर्म, छह अध्याय भक्ति और छह अध्याय ज्ञान, वहां पर जो भक्ति है वो मिश्रा भक्ति है, शुद्ध भक्ति की बात वहां भी कहीं कमी है। इसलिए गीता सुनकर उनकी ज्ञान नहीं हुई, अभी वो चिंता कर रहे क्या होगा। सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया, सबसे उन्होंने प्रश्न की, कोई उनके प्रश्न की सही सही जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब उन्होंने पहुंचे चतुष्ण के पास में, चतुष्ण का उपाय बताए और एक बात शिक्षा देते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं ना, सतत जुक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि युगम तम जनमा उपजान्ति ते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर सचमुच से अपना हृदय से मेरे को कोई पाना चाहता है, बोले ददामि बुद्धि युगम तम, मैं उसको बुद्धि युग प्रदान करता हूँ। अगर हृदय से अगर कोई भगवान को पुकारे है, हृदय जैसे ध्रुव महाराज हृदय से पुकारे, नारद जी को भेजा भगवान, नारद जी को भेजा उन्होंने। इसलिए जब उन्हें चतुष्ण के पास में पहुंचे, चतुष्ण ने बोले भैया क्या नारद जी तुम भूल गए हो। बोले किस बात की। बोले व्यास देव ने जब उन्होंने सारे ग्रंथ रचना की लेकिन हृदय में शांति नहीं मिली। आप भी तो बताए थे कि भागवत ग्रंथ रचना करो शांति मिलेगी, इसलिए भागवत सुनाओ ना। तब श्री नारद जी कहते हैं, बोले भैया मैं तो सारे वेद पुराण उपनिषद मैंने सुना चुका हूँ, ये भागवत क्या है। अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राण भारत विनिर्णय गायत्री भास रूप वेदार्थ परिवर्णित। जितने सारे शास्त्र का निचोड़ के भागवत है लेकिन इनको तो भागवत सुनाई दिया। तो उन्होंने उदाहरण देते हैं, देखो जैसे आपको आम खाने की इच्छा, यद्यपि आम का रस ही ये फल रूप लेता है, अगर कोई बोले आम का टहनिया थोड़ा चिबा करके देखो, उसका पत्ता थोड़ा खा करके देखो, लेकिन आम में जो रस जो स्वाद है क्या उसको पत्ते में मिलेगा ना उसको टहनिया में मिलेगी, नहीं मिलेगी। उसी तरह ये जो पूजा करते थे बोले हरिद्वार, जो हरि की पूजा करते थे बोले हरिद्वार, अरे दोनों में लड़ाई हुई और किसी संतों को पास नहीं गई, बोले बताओ भैया ये हरिद्वार ना हरिद्वार, बोले भैया ये दोनों के ही द्वार है। क्योंकि अगर आप बद्रीनाथ जाओगे हरिद्वार है, वो हरि को जाने के लिए कोई रास्ता, ये धर्मीय स्थित स्थान। बोले ऐसे एक स्थान पर कथा की जाए जिसको दोनों व्यक्ति लाभ उठा सके, जहाँ संता भी आए। क्योंकि अगर घर गृहस्थ में कथा हो ना, बोले भैया गृहस्थ के घर में कथा हो रही है, पता नहीं जाए कि नहीं जाए। अगर संतों को वहां पर कथा हो, गृहस्थ लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं संतों को घर में कथा हो रही है, पता नहीं कुछ इधर उधर मान नहीं बैठे। लेकिन ऐसे जगह पर कथा हो जैसे सबके सब वहां पर आए और सबके सब इसके आनंद ले सके। इतने में जब आनंद नामक तीर्थ पर कथा होगी, पता चला बहुत ब्रह्म लोग देव लोग सबके सब बड़े बड़े देवता है, सारे देवता ऋषि मुनि सबके सब कथा सुनने के लिए वहां पर आए। फिर वहां पर जितने सरिता थी, जितने नदियां थी और जितने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अगत्या केदारनाथ बद्रीनाथ सबके सब कथा सुनने के लिए आए। जो नहीं आए ना, अगस्त जी घर घर में गए, बोले सुना हो चतुष्ण कथा कर रहे हैं, ब्रह्मा की मानस पुत्र बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलती, चलो सबके सब कथा सुनने के लिए जाए। सबके सब वहां पर कथा सुनने के लिए आए। जब चतुष्ण कथा सुनाने जा रहे थे, इतने में स्वर्ग लोग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के पुष्प की बौछार की और वहां भी शंख और वहां पर नगड़ा बजाए और भागवत की जयकार दिए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जयकार। आनंद आनंद नहीं आया, कोई तो जय कोई देव बोल रहे हो। अरे स्वर्ग के देवता देखो भागवत हो रही, कौन लोग प्रसन्न हो रहे, स्वर्ग का देवता लोग भी खुश हो रहे। इसका मतलब कहीं अगर भागवत कथा होना भैया देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं। और ये मत समझो केवल हम ही बैठ कर कथा सुनते, नहीं कोई एक संत कह रहे थे कहीं एक कथा हो रही थी, लेकिन लोग तो कम थे, साधारण लोग
लेकिन वो जो संत बड़े पहुंचे हुए संत थे, जब वहां पर पहुंचना देखा सारी देवा देवी ऋषि मुनि वशिष्ठ व्रास व्यास समस्त ऋषि मुनि समस्त नदी एकदम खचाखच भरा पड़ा हुआ। ये सुंदर संत थे, कहीं अगर कथा हो तो कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर तथा प्रसन्न। जहां पर भगवान की कथा हो बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। जगत में कितने तीर्थ है बोले 6 अरब। एक अरब कितना होता है 100 करोड़ में 1 अरब, और 600 अरब तीर्थ वहीं पर बैठते हुए कहा जहां पर ये कथा होती है इतने महिमा। इसलिए यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं अगर किसकी मन में इच्छा हो पृथ्वी की सारे तीर्थ में हम स्नान करना चाहते हैं, बताओ संभव ना? संभव है? असंभव है। सारे तीर्थ में कोई नहीं नहा सकते हैं। 6 अरब 6 करोड़ तीर्थ में कोई नहा सकते हो? कोई संभव है 6 करोड़ तीर्थ में? लेकिन सुतो गोस्वामी कहते सबसे सरल उपाय क्या है, जब एक साथ में 6 अरब तीर्थ में एक साथ में स्नान कर सके, क्या इसे सहज उपाय? बोले भगवत कथा रूपी गंगा में स्नान कर। जो व्यक्ति भगवान की कथा में स्नान करते हैं समझो यहाँ बैठी बैठी 6 अरब तीर्थ में सारे यहीं पर बैठी बैठी स्नान कर लिया, इतने महिमा। तभी तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं ना और जयकार देते हैं। और एक बार जयकार बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा वृंदम की। पता चले भैया गौड़ी मठ में कथा हो रही है। इसलिए जब वहां पर स्वयं भक्ति और उनके 2 बच्चे भी कथा सुनने के लिए आए, बोले भैया हमें भी कोई स्थान दो। बोले आपका स्थान है यहाँ पर, जितने भक्त बैठे हैं ना इनके हृदय में आपका स्थान है। अभी भक्ति देवी सभी के हृदय में बैठी गई। भक्ति देवी कौन है? हम जो राधा रानी को ना इनको भी भक्ति देवी कहती है। अब भक्ति देवी से तुलसी देवी को भी कहते वृंदा भाई तुलसी देवी भाई प्रिया भाई केशव कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्य बदई नमन। इसलिए जो भक्ति देवी जो कथा सुन रहे हैं मानव इनके हृदय में भक्ति की निवास हो जाती है। अगर सभी का हृदय में भक्ति की निवास हो गई, राधा रानी की निवास हो गई, सभी का आनंद हृदय में, सभी का हृदय गदगद हो गया, सब लोग प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए बोले सदा सत्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रये। यदि जो श्रीमद् भागवत कथा को सदा सत्यम सब समय की कथा को श्रवण करनी चाहिए, जिसको श्रवण करने से भक्ति देवी स्वयं हृदय में भगवान की निवास हो जाती। जब चतुष्ण ने वहां पर कथा सुनाई कथा की प्रभाव से स्वयं गोलोक वृंदावन से श्री बांके बिहारी राधा विनोद अपना राधा रानी को साथ में अपना सखियों को साथ में श्री स्वयं ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो गए। वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, अर्जुन नारद जी समस्त प्रकट होकर के वहां पर बड़े सुंदर कीर्तन कर रहे थे। और जैसे जैसे कीर्तन हो रहे थे ना सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के अनुरूप बड़े सुंदर हाव भाव से श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर नृत्य कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद Thank you.
जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे ये भागवत कथा के प्रभाव से सबको भगवत गति प्राप्त हो गई। अभी श्री नारद जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी ने पूछा, और कोई आगे कथा सुना सकते हो? अगर ऐसे पाप कर्म कोई किया हुआ हो जिसकी किसी तरह से जिसकी उद्धार नहीं हो, अगर कोई प्रेत योनि में अगर भी चला गया, क्या ये भागवत कथा से उनको भी सदगति मिल सकती है? तब चतुर्सेन ने बोले, क्या बोल रहे हो? जब भागवत कथा से भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत गति, भगवत धाम की प्राप्ति, पाप से ये तो आसानी से ये सब चीज हो जाती है। ये भागवत कथा की कथा का फल नहीं, इसका स्वाभाविक रूप में इसका अपने आप उसको प्रेत जन्म से उसको उद्धार हो जाती है। तो उन्होंने गोकर्ण और श्री धुंधु कार्यक्रम में कथा सुनाए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। टाइम हो गया इसलिए तुम कथा सुनाओगे? गोकर्ण धुंधु कार्यक्रम गोकर्ण। हाँ, हरे कृष्णा। इसलिए आप लोग सब जानते हो ये आप तब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, जिनकी घर में एक व्यक्ति को घर में जो कुछ होनी चाहिए उसको पास में पूर्ण रूप में था। एक व्यक्ति क्या चाहता है? किसी उच्च वंश में जन्म हो। बोले कौन सा घर में जन्म हो? बोले ब्राह्मण। उसको पास में एक व्यक्ति क्या चाहता है? हम सुंदरता होनी चाहिए। बोले दीप्ति इव भास्कर, दूसरे सूरज जैसे इतने तेज। उसको बाद में बढ़िया पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो। जितने स्रोत मारते सु कर्मे सु निष्णात हो, सारे कर्म कांडी में निष्णात था। उसको बाद में क्या चाहते हैं? किसी सुंदरी लड़की से शादी हो जाए, जिसकी पत्नी का नाम थी धुंधुली, बड़ी सुंदर थी। फिर क्या चाहते हैं? पास में पैसा, पैसा की कमी नहीं। एक व्यक्ति संसार में जो कुछ चाहिए उसको पास में पूर्ण रूप में था, लेकिन तब भी वो व्यक्ति सुखी नहीं। बोले क्यों सुखी नहीं? कारण है, कहते भैया हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। भले ही तुम्हारे पास में विश्व ब्रह्मांड का संपत्ति हो जाए, लेकिन तुम भगवान से विमुख हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, तुमको शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मत है ग्री सिकता ते बरते, बिनो हरि भजन ना भव करे सिद्धांत अपे। इसलिए भले ही ये जगत में भले ही रेती को पीस करके तेल निकाल दो, भले ही पानी को मंथन करके घी निकाल दो, भले ही आकाश में फूल खिल जाए, भले ही पांच का बेटा हो जाए, भले ही खरगोश के सींग आ जाए, भले ही कछुआ का पीठ पर बाल उग जाए, अगर कोई बोलता है हम भगवान की भजन नहीं करते, बड़ी खुशी है। लेकिन गोस्वामी जी कहते, मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाया खुद कहता है दुखालयम असासत्वम, ये संसार दुख का घर है। बिनो हरि भजन न भवतरिय, हरि की भजन के बगैर कोई भी संसार से पार नहीं पाया है। तो कर्मकांडी थे लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं करते थे। दूसरा कारण है बड़ा कंजूसी, एक पैसा कहीं सत्कर्म में नहीं लगाए।
सारे पैसा को इकट्ठे करते जाए इकट्ठे करते जाए। हाँ देखो ये चीज भी याद रखो, जो पैसा है ना ये लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की है। अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लग रहा है ना, ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा है, केवल कंजूसी करके पैसा को इकट्ठे करते रहो, वो पैसा भी घर में सुख शांति नहीं देता। इसलिए अगर पैसा है वो पैसा को सत्कर्म में लगाओ। अब सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवान की सेवा, भागवत कथा, भक्ति की किसी काम में लगाओ, क्योंकि पैसा लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, लक्ष्मी तो ठाकुर जी की। बड़े कंजूसी था, एक पैसा भी हाथ से निकले नहीं, इसलिए वो पैसा पर संसार में सुख नहीं देती, वो विपत्ति दुख कष्ट बुला देती है। जब उसने इतने दुखी कोई पूर्वज को पानी दे लगता है, कोई जैसे घर में चीज दे रहे, कोई वृक्ष लगाए तो उसमें फल नहीं आए, गैया लाए तो बांझ हो जाए, वृक्ष लगाए तो फल नहीं, घर में फल लाए तो सड़ जाए, इतने अपशकुन कोई अगर देख लिया तो बोले सवेरे सवेरे इसकी मुंह देख लिया तो दिन भर हमारी बुरा जाएगी। इतने बदनामी गांव में एक दिन बड़ा दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए गया। भगवान जब किसी जीव को पर कृपा करते हैं संत रूप में नहीं तो ब्राह्मण रूप में आते हैं। मान आज ठाकुर जी स्वयं एक संत बन करके आए, बोले क्यों, बोले इसको पास में किसी चीज की कमी नहीं है, सब चीज भरपूर है, लेकिन एक चीज तो संतान नहीं है ना। इसलिए मानो भगवान ही एक ब्राह्मण बनकर के आए, बोले देख बेटा क्यों रो रहे हो, बोले सारे सुख है लेकिन घर में संतान नहीं, एक संतान चाहिए। बोले तुमने सगर महाराज का नाम सुने, बोले हाँ, बोले बोलो तो इनका कितने बच्चे थे, बोले 10,000, सुख मिला, बोले नहीं। बोले चित्रकेतु महाराज का नाम सुने, बोले हाँ, बोले कितने पत्नी उन्होंने शादी की थी, बोले 1 करोड़, संतान में सुख मिला। बेटा संसार संतान से सुख नहीं मिलते हैं, देखो उन्होंने तो बोले मैं तेरा भाग्य देख करके बता देख रहा हूँ, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे घर में कोई बच्चा होने वाले नहीं। बोले हे भगवान, 1 जीवन में संतान नहीं तो इतने दुखी करते, 7 जन्म तक बच्चा नहीं होगा, हाँ बच्चा नहीं होगा। तो उन्होंने बोले अगर बच्चा नहीं कोई चिंता मत करो, भगवान को ही अपना बच्चा मान लो ना, घर में गोपाल जी को पूजा करो, ठाकुर जी को ही बच्चा मानो, ठाकुर की सेवा पूजा करो, बड़ा पार हो जाएगी। इसलिए कोई एक बूढ़ी माता जी सचमुच से वृंदावन में रहती थी, उसने जिंदगी भर गोपाल जी की उन्होंने सेवा की जिंदगी भर। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति जिंदगी भर ठाकुर का सेवा पूजा करते है ना, जब वो वृद्ध हो जाते हैं ठाकुर जी को उल्टा सेवा उनको करना पड़ता है। क्यों, जिंदगी भर उसने मेरी सेवा में अपना जीवन बिताया, ठाकुर जी बूढ़ी माता की सेवा उन्होंने की, जब असमर्थ हो गई, बोले भगवान जैसे कोई बेटा होगा, इसलिए भगवान के बेटा मान लो, हैं ठाकुर जी को बेटा मान लो। बोले देख बच्चा, बच्चा होने पर तो नहीं होने पर 1 दुख है, बच्चा नहीं होने पर 1 दुख है, लेकिन बच्चा होकर जो बात नहीं सुनेगा ना, जिंदगी भर दुख का सुख उठाओगे। इसलिए भगवान ने जो दे रहे ना उसको अपना हंसते हंसते स्वीकार करके उसी में ही खुशी रहो, और भगवान की भजन में लगाओ समय। भगवान बच्चा नहीं दिया, दोष किया कोई दिक्कत नहीं, भगवान की भजन करो। लेकिन दोष किसको है, बोले उनका दोष है जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनको कोई दोष नहीं। लेकिन बोले नहीं वैराग्य, उनको बोले भजन करो, बोले वैराग्य जीवन सुखा जीवन, कोई बीवी नहीं कोई बच्चे नहीं, लेकिन गृहस्थ जीवन तो सरस जीवन है, पत्नी बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती है, बच्चे पापा पापा मामा मामा और मीठी 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 तोतली तोतली बोलियां बोलते हैं, इसलिए कितने आनंद रसमय जीवन संसार है। बोले रसमय जीवन संसार है, बोले ये जब तक थप्पड़ नहीं खाएगा ना ये समझेगा नहीं, ये ज्ञान से नहीं समझेगा। बोले ले, तब उन्होंने पेड़ से एक फल लेकर के मंत्र पूर्ण करके दे दिया, बोले पत्नी को खिला देना, बोलना गीता भागवत रामायण पढ़े, और उपयुक्त समय होने पर सुंदर संतान होगी। वो बड़ा खुश होकर के आया, बड़ा खुश होकर के आकर के बोले, बोले मैंने कोई संत नहीं, बोले ओगो सुनते हो, बोले क्या बात है, बोले देखो संत ने एक फल दिया, ये फल खाओ तो बच्चा होएगा। उसने बोली मैं तो सोच रही थी सवेरे सवेरे कोई नवला की हार लेकर के आई होगी, और कह रहे हो फल लाया, क्या जिंदगी में मैंने फल नहीं खाई। बोले देखो ये फल साधारण फल नहीं, ये फल संतों का दिया हुआ फल है,
इसको खाओगे तो गर्भ में बच्चा होगा, लेकिन उसका नाम क्या था? धुंधली। धुंधली मतलब क्या? अंधकार, अज्ञान, अविद्या। वो कहाँ संतों का उपदेश को कहाँ ग्रहण करने वाली, पता नहीं मन मन में तो क्या क्या सोचने लग गई। बोले भगवान, हमने सुना सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक रहे, 9 महीना अगर पेट में बच्चा रहता तो माता को कितने कष्ट, फिर पेट बड़ी बड़ा हो जाता है। और मैंने जो घर में 2-4 चीज को इकट्ठे करके रखी, पता नहीं ननद आकर के ले नहीं जाए सब कुछ सब चीज। फिर गांव में अगर डाकू पड़ जाए तो भाग नहीं पाऊंगी। फिर इतना नहीं प्रसव कष्ट, फिर इतना नहीं उसको लालन पालने में भी कष्ट। ये पुरुषों को क्या पता गर्भ में बच्चा होने पर, इनको क्या पता क्या कष्ट होता है। इतने तर्क वितर्क करने लग गई, इतने में उसके के सही लिया। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात। बोले चिंता क्यों करती हो? मेरे पति को पास में पैसा नहीं, तेरे पति को पास में पैसा, एक काम करो मेरे पति को खुद पैसा दे दे, अभी मैं गर्भवती गर्भधारण की हूँ। सचमुच से संत जो फल दिए, ये फल क्या सही ना गलत है उसको गैया को खिला, गैया को खिला दो। उसने ठीक ऐसे की। बोले मेरे बच्चा होगा तो मैं घर में लाकर वापस दे दूंगी, और तुम पेट में कपड़ा बांध करके तुम पेट को फुला करके रखो। बस उसने छूट मूट का बहाना बनाई, संतों का फल को उसने क्या किया, उन्होंने अनादर किया। अनादर किया तो क्या हुआ, जब उसकी बहन के घर में बच्चे हुए, उसने छुपा करके ले आई, बास सबर का हल्ला मचा दिया, मेरे घर में लाला भाई हो ए ब्राह्मण तो खूब नाचे कूदे, लेकिन ये ठाकुर का दे नहीं। जब गर्भ में बच्चे आए ना तब स्तन से दूध उतरती, नहीं तो उतरती नहीं। बोले मेरे आप तो नाच कूद कर रहे हो, मेरे स्तन में दूध नहीं उतर रही है। बोले भैया मेरे को क्या पता तुम्हारे स्तन में दूध उतरने नहीं उतर रही है। उसने बोली मैंने सुना मेरी बहन के घर में भी बच्चा हुआ, उसको बुला कर ले आओ और बच्चे को लालन पालन कर। बोले कोई बात नहीं मासी ना, मैया जैसे मासी है, अभी जिसकी बच्चा वही आकर लालन पालन कर रही थी। लेकिन संतों का दिया हुआ फल का व्यर्थ नहीं जाता है। उन्हें गैया को खिलाए तो जो गैया बांझ रहती थी उसने भी एक बच्चा जन्म दिया, इतने सुंदर बच्चा दिया राजकुमार जैसे, सारा शरीर तक इंसान जैसे, लेकिन जो कान है ना गैया जैसे कान है, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। सारा दुनिया लोग देखने के लिए आए। बोले ठाकुर जब देते नहीं जब देते हैं ठाकुर जी कैसे देते हैं, छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। देखो अभी तक तो घर में कोई बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन इसको देखो एक साथ में उसकी भी बच्चा गैया भी बच्चा दान दिया। देखो छोटी सी कहानी सुन लो, ठाकुर जी कैसे छप्पर फाड़ कर देते हैं। बोले एक समय दो पति पत्नी रहते थे, पति पत्नी दोनों ही बड़े भक्त है। एक दिन उसका पति गया था शौच क्रिया में, शौच क्रिया के बाद में जैसे मिट्टी से हाथ साफ करते हैं, जब उन्होंने जहां से मिट्टी उठाया ना देखा वहां पर एक ढक्कन निकलाया, और देखा एक कलसी है, और कलसी में हीरे जवाहरात भरा हुआ। वो तो बड़े संत थे, बोले राम 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 राम, सवेरे सवेरे माया की दर्शन होगी। आकर के उसको पत्नी को ये सारे बात बताई। ठीक उसी समय में कुछ चोर चोरी करने आए थे, वो घर को बाहर बैठ करके सारी बात को सुन रहे थे। चोर बोले बड़ा बेकूफ है, हीरे जवाहरात की उन्हें कलसी को छोड़ करके आ गया, अच्छा हुआ हमने सुन लिया, हम जा करके ले आते हैं। लेकिन वो तो संत थे, वो दिख रहे थे हीरे जवाहरात, लेकिन जो चोर लोग गए ना वो खोल करके देखा उसमें हीरे जवाहरात नहीं, उसमें ततैया जहरीले सांप बिच्छू भरा पड़ा हुआ। बोले अरे ये तो बड़ा बदमाशी, ये तो हमें मरवाने के लिए प्लान किया। बोले चलो इसको लेकर के ना उसको घर में फेंक करके आते हैं। पूरा उन्होंने मटकी उठाया, छत के ऊपर में गई, करत से उन्होंने काटे, काट करके जब उसने घर में फेंका, लेकिन उसमें क्या था, हीरे जवाहरात था उस अंदर में, लेकिन वो संत के लिए विषयी लोग के लिए नहीं। जब उन्हें छत के ऊपर से फेंका ना वो फट गई कलसी, मिट्टी का कलसी, एक घर घर में हीरे जवाहरात बिखर गया। बोले भैया ठाकुर जब देते नहीं जब देते हैं छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। बोले कोई बात नहीं हम तो छोड़ करके आ गए थे, अगर वो अपने आप आ गया ना, लक्ष्मी तो नारायण की ना, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, सारे संत सेवा करो और दुखी दरिद्रों का सेवा करो। इसलिए
यहाँ पर बोले दोनों का संतान, अभी दोनों बच्चे बड़े हुए, एक संत का आशीर्वाद और एक संत को धोखे दिया, उल्टा तो फल होगा। इसलिए बोले भैया बोले गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महाकल, संतों को दिया हुआ फल महाज्ञानी महापंडित बना, लेकिन जो संतों के फल को ठुकराया बच्चा कैसे हुआ महाकल। इतने दुष्ट संतान हुआ, इतने बदमाश संतान हुए, किसी बच्चे के कुएं को सामने देखे तो धक्का मार गिरा दे, किसी घर में आग लगा दे, किसी बच्चे को मारे पिटाई करे, सवेरे उठे 10-20 शिकायत। इतने में आत्मदेव को ज्ञान आया, संत सही बोल रहे थे, संतान से सुखी नहीं बनोगे, सुखी बनोगे भजन से। वो सही बोल रहे थे। अभी उसका चेतनता आई, एक मेरे पिताजी को पिटाई दी, पिटाई की तो पिताजी रो रो करके अपना गोकर्ण को पास में आए। गोकर्ण ने जो ज्ञान प्रदान की, अद्भुत ज्ञान उन्होंने प्रदान किया, बोले पिताजी न चंद्रस्य सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्तिना सुखं मस्ति विरक्तस्य मुनेः रेकांत जीवनम्। पिताजी अब ये मत समझो स्वर्ग के इंद्र बनने पर सुखी होगे, नहीं, पूछो जाकर के इंद्र को, अगर थोड़ी सी कोई तपस्या किया पहले उसका आसन डामाडोल होने लगता है, कितना बार सुअर जन्म लिया। इसलिए पिताजी स्वर्ग में इंद्र को सुखी नहीं, न सुखम चक्रवर्ती ना चक्रवर्ती राजा को भी सुखी नहीं। अब मोदी को जाकर पूछो कितने सुखी है, आप तो चैन में खा लेते हो सो जाते हो, उसको नींद आती नहीं, हाँ पूछ लो है। इसलिए न सुखम चक्रवर्ती ना, लेकिन सुखम मस्ती सुख है, बोले मुने है जो भगवान की मनन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं पिताजी, वही सुखी है। इसलिए पिताजी अगर शांति सुख पाना चाहते हो, ये सारे अभिमान सारे अज्ञान सारे आसक्ति को छोड़ो, छोड़ करके संतों का संग करो, इनकी अनुगत्य में भागवत का दशम स्कंध को पढ़ो, ये स्नेह माया ममता को छोड़ो, संत संग में रह करके भजन करो पिताजी, तभी शांति मिलेगी। इसलिए उन्होंने गोकर्ण के ज्ञान को प्राप्त करते हुए जीवन उनके धन्य हो गया। लेकिन घर में कौन मैया, एक दिन मैया खूब पिटाई की, इतने पिटाई की मैया को, मैया तो कुएं में छलांग लगाकर प्राण त्याग की, छह छह बेस्या को बुला कर ले आई, कोई बेस्या कहते गहना दो, कोई बोले लिपस्टिक दो, कोई बोले क्रीम दो, कोई बोले अलंकार दो, है ये सब के सब छे, हमारे पास में छह बेस्या है, ये चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा जो त्वचा है ना, ये छह बेस्या, बेस्या किसको कहते हैं, जो अपना पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष को पास में जाते उसको बेस्या कहते हैं। इसलिए हमारे असली पति कौन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, भगवान ही असली पति, जो भगवान की भजन को छोड़ करके जिनकी इंद्रियां इधर उधर जाती है। इसलिए कहते जीवा असती दार दुर्ग एव सुतन चोगायती उरु गया का था, जो भगवान की कीर्तन छोड़ करके दुनियादारी की कथा बोलते हो वैश्या सब के सब है। इसलिए हमारे पास में भी छह छह वैश्या, इसलिए हमें चारी तरफ में खेचादानी करते हैं। एक दिन उन्होंने राज दरबार में डाकू डालकर बहुत पैसा लूट करके आए, वैश्याओं को पता चला अगर सवेरे अगर सीआईडी लग गया पकड़ा गया तो जेल, रात रात बड़ी बुरी तरह से गले में रस्सी डाल करके दोनों हाथ को दोनों प्यार को पकड़ करके इतने बुरी तरह से मारने के लिए कोशिश की, मरा नहीं तो जलते हुए अंगार को ठोस ठोस करके मारे, प्रेत बन गया। लोगों ने गोकर्ण जब घर में आए देखा प्रेत बनकर बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया, बोले भैया मैंने इतने पाप की मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड देने मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब सूर्य देवता को प्रश्न की बोले भागवत कथा सुनाओ, तो उन्होंने सात गांठ के भाव गांस बांट के गांस डाल दिए, पहला दिन पहला गांठ दूसरे दिन दूसरे गांठ, ऐसे 7 दिन में 7 गांठ कट गई। बड़ी सुंदर उन्होंने चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए और उनको वैकुंठ से लेने के लिए विष्णु दूत आए। यहाँ पर गोकर्ण प्रश्न करते हैं, यहाँ पर तो बहुत लोग बैठे हुए लेकिन आप एक ही रथ क्यों लाए, बोले देखो इसने जैसे मन लगा कर कथा सुनी ना, और जो जो यहाँ पर थे ऐसे मन लगा कर कोई कथा नहीं सुने, इसलिए इनके लिए रथ नहीं आए। बोले कथा सुनने का नियम क्या है, बोले विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावनं
मान दोष जयस्ते साम कथायाम निसलामति। कथा कैसे सुननी चाहिए? पहला नंबर विश्वास गुरु वाक्य से। पहला नंबर गुरु वाक्य में विश्वास करो। गुरु मुख प्रथम वाक्य चितेत करिया एक आर ना करिया मनवास। इसलिए गुरु जी की वाक्यों को पहले विश्वास करो हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, हमारी गुरु जी की वाक्य पर शास्त्र में तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन सिनेमा में विश्वास हो जाता है। तीन तीन घंटा बैठ करके देखना, उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर, जो झूठ मट चीज को एक रूपक बना दिया, वो तो तीन तीन घंटा बैठ कर देखेंगे, लेकिन भगवान के ऊपर में अविश्वास करते हैं। क्या सचमुच से भगवान क्या है? क्या ठाकुर जी कर सकते हैं? भैया नहीं। इसलिए ये जो भागवत है, जो भगवत जो कथा, ये क्या है? बोले धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये साधारण वस्तु नहीं, साक्षात भगवान की मुंह से निकली हुई वाणी है, इसका प्रति हमें विश्वास करनी चाहिए। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हम जब भक्ति करते हैं ना, हमें पांच चीज को ध्यान देनी चाहिए, तभी तो ये भक्ति हमारी पूरी होगी, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। बोले क्या? बोले लय विक्षेप अप्रतिपति कसाय और रसास्वाद। कहते अगर ये पांच चीज को प्रति ध्यान देंगे ना, फिर तो ये भक्ति तुम्हारी बढ़ सकती है, नहीं तो ये भक्ति क्रियावती नहीं होगी। लय, पहला दोष क्या? कथा सुनते सुनते सो जाना, ये पहला दोष है। बोले एक समय एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था रोज, लेकिन पूरा व्यास को सामने बैठेगा, पूरा उसका नाती लेकर के आता था, और नाती छोड़ करके चला जाएगा, खेलेगा, जब कथा खत्म हो जाएगा ना, नाती आकर ले जाएगा, और ठीक व्यास को सामने बैठे, जब व्यास जी ओम अज्ञान तिमिरम दस बस हो जाए, पूरा एक घंटा एकदम आराम से सोता है, लेकिन जब कथा विश्राम हो जाती ना, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बस उनकी आंख खोले। अभी देखो कथा तभी कोई कथा कर खा सकते हैं जो सामने व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी कथा को सुनाए क्यों? बोले परीक्षित जो था ना, ऐसे एक श्रोता था, जब उन्होंने रासलीला सुनाने के लिए जा रहे थे, उन्हें चारों तरफ नजर मारी, कौन बैठे हुए? कोई ज्ञानी, कोई जोगी, कोई भोगी बैठे हुए। बोले ये कोई भी कथा सुनने का अधिकार नहीं रासलीला का, लेकिन जब सामने श्री परीक्षित महाराज को देखे, बोले एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ जो कथा सुनने वाले, तो उन्हें रासलीला तभी सुना। इसलिए अगर श्रोता अगर सो जाए ना, फिर वक्ता तो बदते रहेगा है? बोले भैया ये रोज सामने आकर बैठता है, पूरा कथा में सोता है, उसका जो नाती आता था ना, बोले इधर आ, बोले तुम अपना दादू को क्यों यहाँ बैठा कर रखते हो? बोले दादू मेरे को रोज 2 रुपया देते हैं, इसलिए घर से उनको रोज रोज लाकर बैठा था। बोले देख बेटा तेरे को मैं 4 रुपया दूंगा, तुम अपना दादा के पास में बैठो, जब उनको झपकी आए ना, बस हाथ में उसको धक्का मारना, उनको सोने नहीं देना, बस। बोले 4 रुपया मिलेगा, फिर क्यों खेलू? बैठ गया दादा के पास, जब झपकिया ना, मारे उसको हाथ, मारे उसको, उसको 1 मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया। ये तो परेशानी, एक घंटा में सो जाता था, कब से घर में जाने पर सोने नहीं देते थे, यहाँ पर तो सो जाता था, क्योंकि नाती पोती कोई सोने नहीं देते, कम से कम कथा में विश्राम करता था, यहाँ भी सोने नहीं दिया। जब कथा विश्राम हो गई ना, बोले क्या बात भैया, तू तो खेलने के लिए चले जाता था, आज तो गया नहीं, क्यों? बोले आप तो मेरे को 2 रुपया देते थे, और जो कथाकार मेरे को 4 रुपया देंगे। बोले देख कल से तेरे को मैं 8 रुपया दूंगा, लेकिन बैठना नहीं, तू चले जा सकता। इसलिए जो पहला जो दोष है ना, कहते लय, लय मतलब होता है क्या है? लय मतलब सो जाना। आप विशेष करके देखना, जब कोई मंत्र जप करने के लिए बैठते है ना, घंटे तक, जो 5 मिनट का मंत्र घंटे तक खत्म नहीं होता, घंटे तक, क्योंकि क्या, जब स्मरण करने का चक्कर में सो जाता है। इसलिए भक्ति में कहते ये पहला जो दोष है ना लय, अरे विक्षेप मतलब होता है, आप देखना सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ हम बैठ करके हरिनाम कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं देख लेना, जब माला करने के लिए बैठे ना, कहते अभी तक भी माला खत्म नहीं हो रहा, रोटी तो ठंडा होते जा रही, अभी तक माला ही खत्म नहीं। देखना कभी कभी ये मन इतने भजन से मन है, ये मन भजन में नहीं लगता है, बैठ करके हम एक मन से भजन कर सकते हो, लेकिन तब भी मन भजन में नहीं लगती है। इसलिए बोले रसास्वाद, रसास्वाद मतलब होता है, जैसे माला तक चल रहे, हाथ भी चल रहा है,
लेकिन जीवा भी चल रही है, लेकिन जो मन है ना किसी गोलगप्पे की दुकान में चला गया, नहीं तो किसी यार दोस्त के पास में चला गया, नहीं तो सिनेमा हॉल में चला गया, इधर मुंह भी चल रहा है इधर हाथ भी चल रहे, मन यहाँ है ही नहीं। कहते भैया ऐसे भजन करने से भजन का स्थिति नहीं होगी। और अभिनिवेश जैसे भरत महाराज भजन कर रहे थे लेकिन एक हिरण बच्चे को प्रति आसक्ति हो गया, तीन जीवन नष्ट हो गया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते भैया भजन करने के लिए आए तो इधर उधर मन को मत दिया करो, इधर उधर मन दे करके जैसे वृंदावन में आए, भैया ये वृंदावन राधा रानी का स्थान है, यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी करेगा ना फिर राधा रानी यहाँ स्थान नहीं देती है, फिर तो लात मार करके वृंदावन से हमें बाहर भगा देगी। हम दूसरों को ठग सकते हैं लेकिन राधा रानी को कोई नहीं ठग सकते हो, क्योंकि वो हृदय की हृदय में बैठ करके हमारी सारी भावना को वो देख रही हैं। अगर वृंदावन में भजन करने के लिए आए हो निष्कपट होकर के यहाँ पर भजन साधन करनी चाहिए, इधर उधर मन नहीं देनी चाहिए। हम दूसरों को नहीं ठग सकते, खुद को खुद हम ठग रहे हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भजन करने के लिए पांच चीज को ध्यान दोगे तभी तुम्हारी सिद्धि, नहीं तो कल सिद्धि नहीं होगी। जब उन्होंने बताया ना तुम्हारी विश्वास नहीं था, एक मन से नहीं सुने, तुम्हारे अंदर में दीन ही निभावना नहीं थी, तुम्हारे अंदर में कपटता थी, तुम्हारे हृदय में घमंड थी, इसलिए तुम कथा सुनकर फल नहीं मिले। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले देखो ज्यादा दिन नहीं केवल 7 दिन है, कल से फिर मैं दोबारा कथा करूंगा, आप लोग टाइम से आओ और ठीक से 7 दिन केवल कथा सुनो, बस कथा बाद में सभी के लिए रथ आएगा, हम सबके सब संसार बंधन से मुक्त होकर के ठाकुर जी के पास में चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन क्या हुई, फिर सबके सब लोग टाइम से कथा सुनने के लिए आए। कथा सुनने का टाइम नियम क्या है, पहले पहला नियम है कथा से पहले आए और कथा को बाद में जाए। हनुमान जी को देखो सबसे बड़ा रसिया कथा सुनने का, हनुमान जी कहीं भी राम कथा हो ना सबसे श्री हनुमान जी आएंगे और वो स्थान को प्रणाम करेंगे, कथा वाचकों को कथा सुनने वालों को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके गदगद हो करके आंखों से आंसू बहाते हुए कथा सुनेंगे। जब सबके सब चले जाएंगे कथा स्थली को कथा श्रोता को कथा वक्ताओं को प्रणाम करते हुए वहां का धूल लगा करके फिर जाते हैं। फिर उनने दूसरे दिन से जब कथा सुनाई ना सब लोग ध्यान से कथा सुने, जब तक बैठे एक मन से कथा सुने, फिर जब घर में चले गए फिर क्या करोगे, यहाँ तो ध्यान से सुने, जब घर में जाओगे फिर क्या करोगे, फिर वहां पर भी जो कुछ करो हाथों में ठाकुर को सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर का नाम लो, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, सबके सब ऐसे तन्मयता को साथ में कथा सुनी। फिर जब उन्होंने कथा की ना फिर जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए एक एक रथ आए, ए सबके सब रथ में बैठ करके सबके सब ठाकुर जी को धाम में चले गए। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। देखो आप लोग भी कथा सुन रहे हो, जब कथा विश्राम हो जाएगी ना आप सभी के लिए एक रथ आएगा, कौन कौन जाएगा, रथ आएगा तो हाथ उठाओ कौन कौन जाएगा, अगर सचमुच से कथा के बाद में रथ आ गई कौन कौन जाएगा, जोर से हाथ उठाओ कौन कौन जाएगा, ये सब झूठ बोल रहे हो। अगर सचमुच से रथ आ जाएगा ना ये मंदिर में एक व्यक्ति को भी दिखाई नहीं पड़ेगा, बोलेंगे अभी मेरी पति है उनको रोटी कौन खिलाएगा, अभी बेटी तो छोटी उनको शादी कौन करवाएगा, घर में पत्नी है, इसलिए कोई चिंता मत करो। जब तक हृदय से इसे वैराग्य नहीं आए ना, संसार का प्रति विरागता नहीं आए, तब तक रथ आने वाले नहीं, कोई चिंता मत करो और आओ और कथा ठीक से सुनो। इसलिए जो श्रोता हैं, हाँ और एक चीज सुन लो अच्छे तरह से, कल सबको पूछूंगा, कहते श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, अरे बोलो जोर से पीछे जो बैठे हो, दो तरह के हैं, कहते हैं एक प्रबर एक अबर, प्रबर मतलब होता है श्रेष्ठ और एक अबर मतलब कनिष्ठ। जो अच्छे श्रोता वो चार तरह के, कितने तरह के, बोलो जोर से चार। पहला नंबर हंस, जैसे हंस को दूध दो ना देखना वो दूध दूध तो पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। दूसरा नंबर है मधुमक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी, मक्खी कहाँ बैठता है, गंदी चीज में, मधुमक्खी कहाँ बैठता है, फूलों में, अगर कांटा वृक्ष में भी फूल हो ना देखना मधुमक्खी वहां भी बैठी करके शरीर को आहरण कर लेता है। तीसरा नंबर है तोता, ये तोता का एक विशेष गुण है किसी कच्चा फल में कोई चोंच नहीं मारेगा,
वो पक्का हुआ फल में ही चोंच मारेगा। इसका मतलब मुंह जहां तक नहीं मारनी चाहिए भैया, मुंह तो वहीं पर मारो जहां पर हरि की चर्चा है, जहां पर चुगली निंदा वहां पर मुंह नहीं मारनी चाहिए। कितना तरह, चौथा नंबर है मछली। मछली का जो पलक है ना, आप देखना कभी मछली का जो पलक कभी छपती नहीं, एकदम खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुना, एक मन से टकटक लगा करके एक ध्यान से कथा सुननी चाहिए। और पांचवा नंबर जो श्रोता है क्या है, कहते ये चातक एक चिड़िया, वो कभी नदी का किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है। जब बरसात होना तभी ये पानी को पीता है। इसलिए कहते ये पांच तरह का श्रेष्ठ श्रोता, और जो साधारण श्रोता चार तरह का। पहला नंबर भुरु, ये एक चिड़िया हिमालय पर्वत में रहता है। आप इसको जैसे सुनाओ ना ठीक वैसे सुना देगा, लेकिन वो करते समय पूरा पूरा उल्टा करेगा। सुनेगा, सुना भी देगा, लेकिन करते समय वो उल्टा पुल्टा करेगा। दूसरा नंबर ऊंट। ऊंट तो देखे होंगे, ऊंट को कोई कोमल कोमल कोई पता तो नहीं खाएगा, का बबुल का पेड़ कहां पर, जिसमें कांटा। मतलब है जो भगवान की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथा नहीं सुनता है, कहां रुचि, जहां पर बैठ करके बेटी बहन की चुगली हो बस वहीं उसको अच्छी लगती है, हैं? उसकी ठाकुर जी की कथा रुचि नहीं लगती है। तीसरा नंबर है ये बैल। कहते बैल को आप भूसा दो, नहीं तो बढ़िया बढ़िया कोई फल दो, देखना वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता, दोनों को बराबर मानते हैं। कृष्ण कथा हो नहीं तो विषय की कथा, दुनिया की कथा हो, कोई भी कथा हो, बैठ जाओ बस मुंह मारते रहो। बोले नहीं भैया, हमें क्या होनी चाहिए, भगवान की कथा में मुंह मारनी चाहिए। चौथा नंबर है भेड़िया। ये छोटा जाति का एक बाघ होता है। वो हिरण को, जब हिरण कोई सुलीन शब्द सुन करके उसमें एकदम मुग्ध हो जाता है, उसी समय वो आक्रमण करता है। मतलब क्या, ऐसे कुछ श्रोता हैं जो मन लगा करके कथा सुनते हैं, लेकिन ऐसे कुछ श्रोता हैं खुद तो सुनते नहीं, और जो पास में बैठ करके सुनते उनको भी सुनने नहीं दे, बिना कारण की बात करेंगे। बता तेरे घर में हुआ क्या, हुआ था तुमने क्या बनाया था, तुम्हें सुनाओ क्या कर रहा था। जो बिना सुनेगा भी नहीं, दूसरों को भी सुनने नहीं देता, इसको कहते भेड़िया। कथा चार तरह का, सात्विक, तामसिक, राजसिक और निर्गुण। कहते राजसिक कथा किसको कहते हैं, जैसे बड़ी ठाड़ बाड़ से कथा का आयोजन किया लेकिन खुद कथा में नहीं बैठता है, सारे व्यवस्था में लगा हुआ लेकिन जिस काम के लिए कथा किया जैसे कल्याण हो वो खुद बैठेगा नहीं। दूसरा नंबर राजसी, एक महीना दो महीना तक कथा सुनेगा लेकिन उसको बाद में कथा बता से फिर कोई मतलब नहीं। तामसी कथा कहते जैसे सात दिन तक कथा हो रही है, कभी सुने कभी नहीं सुने, कब मन लगा कभी मन नहीं लगा, एक चक्कर घूम करके आ गया फिर बैठ गया, इसको कहते तामसी कथा। लेकिन ये सही कथा क्या है, बोले सदा से प्याम श्रीमती भागवती वार्ता। जिसने अपना जीवन वही भागवत बना दे, मतलब नियम करके ये भागवत ग्रंथ को घर में नियम करके, जो गीता हो रामायण हो भागवत हो कोई सद ग्रंथ संतों का चरित्र हो, जो नियमित करके अपना घर में रोज रोज जो कथा पढ़ते हैं। कहते भागवत का एक श्लोक नहीं आधी, आधी नहीं आधी से अगर आधी भी कहीं पर ये भागवत का श्लोक होना, कहते वहां पर साक्षात ठाकुर जी का निवास होता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कल कथा कल सुना, आज बहुत लेट हो गया। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बहुत बढ़िया भजन गाओ। हाँ हम लोग जो कथा है ना, हम चार से लेकर के सात तक कथा सुनेंगे। आज तो थोड़ी सी लेट हो गई लेकिन कल से कोशिश करेंगे 7 बजे कथा को हम विश्राम दे देंगे, ठीक है। एक भजन सुन लो,
I'm not